अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूं, जेएनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूं, जेएनके का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके जो सेपरेटिस्ट है, और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा, अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया, उनको इनवाइट किया? क्या सच है? आप एक समय बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ, दूसरा समय आपके चीफ मिनिस्टर भाग गए देश छोड़ करके, तीसरा ये लोग भाग भाग करके दिल्ली आकर के शरणार्थी बन गए उन्हीं के अपने देश में। फिर कल तक, कल सुबह तक कांग्रेस का ट्वीट्स में ये आ रहा है कि सेपरेटिस्ट के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ झगड़ा हो रही है, ये सेपरेटिस्ट वर्सेस भारत देश है। अगर वो सच है फिर क्यों सेपरेटिस्ट को आपके प्रधानमंत्री जी के पास लेके गए जो हमारे एयरफोर्स के लोग को मराए? सर, मैं किसी का नाम नहीं ली, मगर प्रधानमंत्री जी के पास गए कि नहीं गए, कल का ट्वीट सच है कि नहीं सच? और सर, मैं ये भी बोलूं, और ये भी बोलूं, ये प्रधान, ये सुन लीजिए, जरूर ये सुनिए, ये सेपरेटिस्ट एक विदेशी टेलीविजन चैनल में, जाकर के कंसीड किया, माना कि हां मैं एयरफोर्स के अधिकारी को मराया।